साजिद खान और सौंदर्या को लेके काफी बड़ी खबर आ रही है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर मेरे साथ यानी अडमा के साथ ओनली ऑन टेली खजाना। कल शेखर सुमन ने अपने घर पे एक पार्टी रखी जहां पे हमें सब लोग नजर आए। सौंदर्या लाइव आई और उन्होंने हर इंसान को हाय बाय कहते हुए वीडियो भी बनाई। अब बहुत तेज़ी से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह ये वायरल हो रहा है कि सौंदर्या शर्मा अब साजिद खान को डेट कर रही हैं। यानी कि एक बात जो फैल रही है वो ये है कि एक 28 साल की उम्र की लड़की को एक 51 ईयर्स का आदमी लड़का बोल रही हूँ आदमी डेट कर रहा है। इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। कहीं आप कमेंट्स खोल लें तो इसी तरीके की बातें लिखी हुई हैं। अब इस अफवाह को और ज़्यादा बढ़ाते हुए शालीन भनोट ने पार्टी में काफ़ी बड़ी हरकत करी। वो ये थी कि सौंदर्या शर्मा लाइव थी और सबसे हाय बाय कर रही थी और शालीन के पास जब हाय करने गई तो उन्होंने लाइव वीडियो में कह दिया कि वेट अ मिनट, क्या आप साजिद खान को डेट कर रही हैं। और उसके बाद जब आगे भी सौंदर्या की बात हुई तो इन्होंने इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला कि मैं साजिद खान को बिल्कुल भी डेट नहीं कर रही हूँ और साजिद खान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छा कनेक्शन उनका घर से भी बना और घर के बाहर भी बना। और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि हमेशा इस तरीके की बातें लड़कियों के लिए जो वायरल होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। लोगों को इतनी गंदी या सोच नहीं रखनी चाहिए, इतनी गंदी तरीके से किसी के लिए सोचना नहीं चाहिए। ये सारी बातें भी उन्होंने कही। घर के अंदर गौतम के साथ इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन दिखाई दिया। लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट भी किया, जिस तरीके से इन दोनों लोगों के बीच में क्लोजनेस थी, वॉशरूम में जाना, गोदी में बैठना, इन सारी चीज़ों और हरकतों पे लोगों ने कमेंट किया और लोग इन सारी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस भी करते हैं। इसके बाद शालीन भनोट सौंदर्या के पीछे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं सौंदर्या को शालीन की हरकतों का पहले से ही अंदाज़ा था और अब घर के बाहर निकलने के बाद साजिद खान के साथ नाम जुड़ जाना ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और साथ ही में साजिद खान तो घर के अंदर इसीलिए गए थे कि उनका जो काला चिट्ठा है पहले का वो एकदम क्लीन स्लेट हो जाए। जितनी भी उनके ऊपर एलिगेशंस हैं जो भी हैं, अपना एक रियलिटी शो में, वो भी इतने बड़े रियलिटी शो में पार्ट लेके, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाए और वो अपना फ्यूचर दोबारा, फ्यूचर बोल रही हूँ, अपना करियर दोबारा स्टार्ट कर सकें और लोगों को काम दें और खुद भी काम करें। लेकिन बाहर आते ही इन पे एक और एलिगेशन या फिर कह दीजिए अफवाह जुड़ गई कि ये सौंदर्या शर्मा को डेट कर रहे हैं। लेकिन सौंदर्या शर्मा ने इस बात पे फुल स्टॉप लगाते हुए यही कहा है कि वो दोनों लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो अब तक के लिए आप देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।